आते वक्त उन्होंने वापस जाकर रख दिया। अभी फिर वापस इसी रोड से गया, आए हम वहाँ से आएंगे और इस रास्ता यही आने का, और कोई रास्ता है ही नहीं है, यहाँ से वो चल सकते नहीं है। वीरज जी, क्या वारदात हुई है, पूरी विस्तार में बताएं। बात ये है कि उस टाइम कोई 1:30 बजे हुआ था, 1:30 बजे मैं जाग रहा था, कोई पौने 2 बजे करीब आँख लगी मेरी, तो मैंने ऐसे आँख लगी, मैंने फ़ोन थोड़ा चार्जिंग लगाया, फ़ोन अपना जैसे फ़ोन चार्जिंग लगाया तो थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि चलो 3:30 में उठ जाता हूँ, मामा नीचे चलो उठ जाता हूँ। उसके बाद जैसे 4 बजे में नींद खुली है, मैंने सबसे पहले हाथ फ़ोन को लगाया, मैंने फ़ोन नहीं मिला, मैंने सोचा क्या 5 बजे हो बैठ के नीचे आगे पीछे चला गया होगा। फिर मामा के पास गया हूँ, मामा को पूछा मामा फ़ोन आपके पास नहीं, कहती नहीं। फिर जैसे मेरा ध्यान पड़ा हार्ड डिस्क के ऊपर, हार्ड डिस्क मेरी जैसे मैंने हार्ड डिस्क देखी, हार्ड डिस्क नहीं थी, फिर मुझे ऐसा लगा कि गेम हो गई है। जैसे मैंने पता चला मुझे हार्ड डिस्क देखी, कैश भी देखी थोड़ी बहुत ही, वो भी नहीं मुझे पता चला। फिर मैंने आगे पीछे, फिर मैंने रात वगैरह से फोन पर फ़ोन भी किया उनको, फिर किया थाने फ़ोन किया, उन्होंने बोला मुझे आप सुबह जैसे टाइम मिलता है तो हेल्प करेंगे, मतलब आप बाद में आना तो 11-12 बजे ना कभी। सारा यही है कि इस एरिया से मुझे पूरी घंटे की यहाँ से आई है। आपको शक है किसी पे? शक तो अभी मैं क्या किसी का नाम लिखूँ, क्योंकि ये तो आपको जो इस मोहल्ला आधा यही है, तो किस नाम इसे लेके तो मैं पहले अपने आप पे तो क्या नाम नहीं लेते, लेकिन आपको शक है? शक है। क्या ये पहली बार हुई है या पहले भी? नहीं, आगे तो अभी ये तो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी सुना, मैं तो इस मोहल्ले में पहले भी कहीं आगे पीछे हुए हैं, तो रात को मुझे सुनाया था पुलिस वालों ने, 2 लड़के मिले हमें तो हमें पकड़े नहीं गए, तो ये भागे तक भागे थे, पुलिस वाले भागे उनके भागे, कहते हुए हमारे भागड़िया जिंग मोबाइल के पास मंदिर है वहाँ पे निकल गए, क्या पता वो है कौन है कौन नहीं है। पुलिस वालों की पुलिस वाले को रात को, पुलिस वाले रात को मिले, क्या पता वही लड़के हैं ना कोई और है। अब पुलिस वाले आपको क्या बोला? उन्होंने ये उन्होंने बोला कि आए थे वो छोटे छोटे लेके चले गए हैं, उन्होंने बोला कि आप आना, कि उन्होंने मुझे अभी मिसिंग रिपोर्ट दे दी है फ़ोन की, उन्होंने बोला कि आप 11:30-11:12 बजे आओ तो आपकी आपकी जो आगे जो फाइल आगे चलाते हैं। कैश कितनी थी? कैश कोई 20,000 रुपया। वो भी नहीं है? वो भी नहीं है। तो और बाकी उसके अलावा कोई और सामान? बाकी मेरा एक फ़ोन है सैमसंग J Next, तो उसमें सिमें 2 पड़ी हुई थी, और एक हार्ड डिस्क है, मैं एक्चुअली वेडिंग शूट हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, उसमें एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा सारा वेडिंग का काम पड़ा हुआ है, कि एक्चुअली अब क्लाइंट मेरे से जब डाटा मांगेगा मैं क्या दूंगा, कल ये ना हो कि डाटा वो मेरे पे कंप्लेन करे कुछ भी करे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वही हार्ड डिस्क ही मेरी वो डाटा मेरे पास कुछ भी नहीं है, कल ये ना हो वो क्लाइंट मेरे से कुछ बात बोलता है जो मेरे पे कोई ऐसा कंप्लेन करता है तो मेरे पे कोई ऐसा इशू ना हो। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके दौरान से यही सोचना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश ये है कि जैसे मर्जी हो कि उन चोरों को ढूंढने की कोशिश करो, मेरा सामान मिल जाए, मुझे इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरा फ़ोन जो जैसे मर्जी हो, मैंने मेरी हार्ड डिस्क, कि हार्ड डिस्क में मुझे ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।